प्रधानमंत्री एक दिव्य दिव्य इंसान हम कहेंगे ये, हम लाइक हम उनके टाइम में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हमारे हीरो, हम उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं उनके बारे में, पर कहीं ना कहीं ये रहता है कि अरे काश हमने हम उनके टाइम में भी रहे होते। हम ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये कह सकते हैं कि हमने मोदी जी को देखा है, मोदी जी के टाइम में हम रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। अच्छा। मैं लॉयर हूँ। क्या बात है। एडवोकेट। यस। राहुल जी बताइए कि आप कहाँ से आए हैं इस कार्यक्रम को देखते हुए, क्या आप दिल्ली से हैं या फिर अन्य राज्य से? या, मैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूँ, तो यहीं इंडिया गेट 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वी आर सेलिब्रेटिंग हियर एट द इंडिया गेट। आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड या एंड वी कैन सी द पीपल ऑफ इंडिया सो हैप्पी, या दे आर लाइक इन हाई स्पिरिट्स, वी कैन सी द चेंजिंग इंडिया, द न्यू इंडिया। जैसे आपने कहा कि बदलाव आप देख रहे हैं, कितना बदल गया सर भारत, और आपको क्या लगता है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि आप वकील हैं आप बेहतर बताएंगे, सुरक्षा के लिहाज से आज कितनी मजबूती जनता को मिली है भारत की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए? गणतंत्र दिवस और देखिए स्वतंत्रता दिवस पे हम यही बात करते हैं कि हमारे अधिकारी और सैन्य बल कितना मजबूत हुआ, सुरक्षा बल कितना मजबूत हुआ, क्या कहेंगे? यस मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा का सुदृढ़ होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो यही एक रॉबस्ट लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का, कि उसका इंटेलेक्चुअल विंग और स्पेशली दिस लाइक आर्मी एंड डिफेंस दिस टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये हम देख रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा इंडिया डेवलप हो रहा है। और या डिफेंस सिस्टम की बात देखिए राहुल जी सबसे ज़्यादा की जाती है, एक बात और कहना चाहूँगा कि हम अब इस लक्ष्य की ओर हैं कि इंडिया जल्द ही परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बनेगा यूनाइटेड नेशंस में। अभी जहाँ की 5 ही देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैं, जैसे कि यूके, फ्रांस, यूएस, चाइना एंड रशिया, तो हम चाहते हैं कि उसमें जल्दी ही और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होए, थोड़ा उसमें एडिशन होए और इंडिया को भी परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। पहले कभी नहीं मिलता था, भारत की जगह विदेशों में नहीं होती थी, और अब भारत सदस्य बनने जा रहा है, तो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व है, और हम बहुत ही पॉजिटिव हैं कि हम जल्दी ही भारत बनेगा। हाँ। और हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज हम सबसे बड़े देश हैं पूरी दुनिया में, अब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को जगह मिले वहाँ पर। सर ये बताइए, डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ, आज आप इकोनॉमी को किस तरीके से देखते हैं? सबसे ज़्यादा बात भी होती है इकोनॉमी की, और देखिए तीसरी अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है कि 2034 तक संभावनाएं तेज है जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, तो सर क्या आप महसूस कर पाते हैं, और क्योंकि आप लॉयर हैं लगातार पढ़ाई करते होंगे इस बारे में, जानते होंगे जनता का मिजाज जानते होंगे, तो क्या लगता है वो अर्थव्यवस्था मजबूत होने के लिए आज किस तरीके से बदलाव हुए हैं और अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव? देखिए हमारा ये बहुत ही विशाल देश है, हम उस देश से हैं, वे भारतवर्ष उस देश में है जहाँ पे कौटिल्य जैसे महान अर्थशास्त्री रहे हैं, द इकोनॉमिस्ट लाइक कौटिल्य, तो हम जो कि मैकियावेली, रिशिल्यू, दो उनसे भी बहुत पहले वाले हमारे ज्ञानी विद्वान रहे हैं और आज भी हैं हमारे, तो इकोनॉमी की तरफ इंडिया बहुत अग्रसर है, अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, जल्दी ही आपने सही कहा कि टॉप 3 में इंडिया आएगा, और बहुत पॉजिटिव हैं हम, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, तो द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस। और सर देखिए आत्मनिर्भरता पे आपको ज्ञान होगा, किस तरीके से डिपेंडेंसी अन्य देशों से हमारी खत्म हो रही है, और क्या आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण हो पाया है? देखिए ये प्रधानमंत्री एक दिव्य दिव्य इंसान हम कहेंगे ये, लाइक हम उनके टाइम में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हमारे हीरो, हम उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं उनके बारे में, पर कहीं ना कहीं ये रहता है कि अरे काश हमने हम उनके टाइम में भी रहे होते। हम ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये कह सकते हैं कि हमने मोदी जी को देखा है, मोदी जी के टाइम में हम रहे हैं, आगे जाके जनरेशन को हम ये बताएंगे, बहुत गौरव की बात है कि हमें मोदी जी जैसे नेता मिले।
अच्छा सर, ये बताइए, अभी रामलला को जो विराजमान किया गया, पूरे देश का माहौल बदला और लोग इमोशनल हैं, लोग भाव विभोर हैं लगातार देख करके किस तरीके से हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, तो क्या और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ये कर दिखाया है, तो क्या आपको लगता है सर कि आने वाले समय में भारत में विकास के मार्ग और अग्रसर होंगे, क्योंकि आज पूरा देश राममय है? यस जी, हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे हर ही रिलीजन का बहुत बहुत वैल्यू दिया जाता है, और ये नेहरू जी के टाइम से, इंदिरा जी के टाइम से, हमारे इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो कैलीग्राफी है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी की पिक्चर्स हैं, राइट राइट। और ये बहुत ज़रूरी है, मैम, जैसे मैंने, हम वर्ल्ड में जाते हैं देखते हैं, तो आई बीन टू रोम, आई बीन टू लाइक अरब कंट्रीज ऑल्सो। अच्छा, अरब कंट्री में आप घूम कर आए, देख कर आए। सर ये बताइए, अरब कंट्री में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मजबूती बनाई है, क्या वो पहले था कि अभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि अरब कंट्री से मुस्लिम देशों से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है? देखिए जी, फॉरेन रिलेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, नाउ द वर्ल्ड इज ग्लोबल, नाउ तो इंटर रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव देख रहे हैं। इवन अरेबियन पेनिनसुला में आज हमारे मंदिर भी हैं, तो और क्या चाह सकते हैं, जैसे कि रोम में है सेंट पीटर बेसिलिका है, वहाँ पे कैथोलिक्स का चर्च होता है, इधर आप मक्का मदीना है, हर जगह है, जैसे जेरूसलम में है, तो यहाँ बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे भी हमारे एक इंडिया में, जैसे कि हमारे यहाँ मस्जिद भी हैं, केरला में सबसे पुरानी मस्जिद है इंडिया की, बहुत ज़रूरी है, और चर्चेज हैं, दिल्ली में यहाँ पे इतने कैथेड्रल्स हैं, राम मंदिर, मैं खुद, मैं राम मंदिर केस में मैं लॉयर था, तो हम उस दिन को, उस दिन भी सेलिब्रेट की बात है, कब की बात है, अभी ही जो लाइक जो सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल डिसीजन आया था, 5 जजेस की बेंच ने तो डिसीजन दिया था, तो उसमें बहुत अच्छा है, मैं महंत धर्मदास जी हनुमानगढ़ी के हैं, तो उनके केस में मैं अपीयर हुआ था, तो ये सब भी पूरे इंडिया की जीत है, सभी धर्मों का विकास हो, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट हो, हम चाहते हैं। और देखिए जी, मंदिर, मस्जिद, चर्चेस एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस कहीं भी हो सकते हैं, सबकी इम्पोर्टेंस होती है, बट जन्म स्थान वो दूसरी जगह नहीं हो सकता, अयोध्या है वो दिल्ली में नहीं हो सकता, वो और कहीं, वो मथुरा काशी में, इस्लाम में भी लिखा है कि जन्म है तो वो जन्म वहीं का ही वो बनता है, इसीलिए सर इस्लाम में लिखा हुआ है कि मस्जिद उस जगह पर नहीं हो सकती जिसमें किसी और भगवान का वास हो, इस्लाम में लिखा हुआ है ये बातें। सर क्या आपको लगता है कि आज पूरा देश शांत रहा और कहीं दंगे फसाद नहीं हुए, लेकिन कुछ राज्यों में हुए हैं, और आप ये भी बताइए कि भ्रम फैलाया जा रहा है सर, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री भेदभाव करते हैं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पीएम मोदी ने कभी भेदभाव किया या फिर अपनी योजनाओं में कभी भेदभाव किया, क्या कभी ऐसा हुआ है, जबकि हम धर्मनिरपेक्ष भारत है, सेक्युलर कंट्री, महापुरुष हैं, पीएम मोदी जी महापुरुष हैं, हमारा ये मॉडर्न इंडिया भी महापुरुषों का देश है, जैसे कि पटेल, सरदार पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका कैनोपी, उनका यहाँ स्टैचू है, भगत सिंह, राइट, तो अन्य लीडर्स भी, वी गेट गूज बम्स, हाँ, सो एकदम बहुत अच्छा इमोशंस होते हैं। इंदिरा गांधी देवी, उनको 71 वॉर के बाद उनको बहुत लोगों ने तो ये कहा था कि ये माँ दुर्गा के अवतार हैं, तो ये सशक्त होना, स्ट्रांग होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, और रिलीजियस हार्मनी, बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ विविधता में एकता, थोड़ा समझने में कुछ लोगों को हो सकता है अभी दिक्कत हो, बट अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि कट्टरता की वजह से कुछ हैं अभी भी देश में कट्टरपंथी, जिसकी वजह से देश का माहौल खराब होता है, कट्टरता की कोई जगह नहीं है हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में, इंडिया दैट इज़ भारत, पर देखिए कि किसी भी, किसी को भी ये नहीं फील होना चाहिए कि हम लेफ्ट आउट हैं, तो इसीलिए सभी रिलीजन का, सभी कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी, सभी का, ये इंडियन पेनिनसुला ये है ही, यहाँ पे सब मिक्स्ड हैं, देखिए सभी कलर के, सभी लाइक डिफरेंट, वी आर ऑल लाइक डिफरेंट येट सेम, लाइक वी बिलोंग टू वन कंट्री, यही तो हमारी पहचान है, हम कहते हैं कि ओके वहाँ जाएं, कहीं भी, जैसे बहुत, जैसे कई कंट्रीज है वो मिक्स होते हैं, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट वेस्ट, ऐसे ही इंडिया का देखें, सिल्क रूट,
वहाँ से थोड़ा ये मंगोलियन वाला आइज वाले फीचर्स वाले भी होते हैं, यहाँ साउथ वाले में अलग हैं, नॉर्थ ये सब मिक्सचर हम एक हैं, हमारा कोई धर्म सब धर्म हमारे हैं, सभी रिलीजन्स हमारे हैं, तो दैट इज़ व्हाट मेक्स इंडिया स्पेशल। और देखिए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन और सभी इतना अच्छा रह रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए सभी ट्राई कलर हमारा सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये तो ये किसी और कंट्री में पॉसिबल नहीं है, वहाँ आप देखेंगे सभी की शक्लें एक जैसी होती हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ में सभी एक ही, वो यहाँ तो सब पूरा वर्ल्ड एक साथ है ऐसा लगता है, और सभी फिर भी इतने हार्मनी और इतने पीस और इतना लविंग, नॉट जस्ट यहाँ टॉलरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ तो वैसे ही सब इतने खुश हैं सभी एक दूसरे का, और ये कुछ लोग हो सकते हैं डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट का हर जगह होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो आपका वो थोड़ा बहुत तो वो हर जगह चलता है जी। हाँ, इंडिया बहुत पीसफुल है और बहुत प्रॉस्परस और अब बहुत आगे जा रहे हैं, और जल्द ही हम टॉपिक को याद होगा जब भी बात होती थी राम मंदिर की बात हो जाए चाहे तमाम बात हो जाए, कहा जाता था देश में भगदड़ मच जाएगी और दंगा फसाद होगा, सर एक जगह दंगा एक दो जगह छोड़कर कि कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ और सब जगह शांति रही, सब ने राम राज्य को यहाँ पर स्वागत किया है, और क्या आपको लगता है कि अब सुरक्षा के लिहाज से और निष्ठा के लिहाज से भारत मजबूत हो गया है, और आप ये भी बताइए 2024 का माहौल आप कैसा देखते हैं? देखिए भारत बहुत मजबूत हो चुका है, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उसके डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, और आप डेमोक्रेसी के लिहाज से भी देखें तो बहुत ही लोगों में बहुत यूनिटी है, ये बहुत ज़रूरी होता है, और इंटेलेक्चुअल वाइज एकेडमिकली आप देखिए हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में इतना इंडिया डेवलप किया है, स्टार्टअप्स आते हैं और टॉप कंपनीज के वर्ल्ड वाइड उनके उनको जो रन कर रहे हैं जो सीईओज हैं, एवरी अदर सीईओ इज एन इंडियन, वी आर प्राउड ऑफ इट, और स्टार्टअप्स हैं तो हमारी कंपनीज भी हमारा बहुत आगे जा रही हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। आई वुड लाइक टू से जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।